जब तक फटते नाच पिजामा पकड़ के पट्टे बर्थडे है भाई बर्थडे। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली थोड़ा टाइम लग गया भाई, मैं तो कल बहुत बार ट्राई किया था एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कुछ बंदों के ऊपर गुस्सा था और कुछ प्लेटफॉर्म डेवलपर के ऊपर, और कुछ ऐसा था कि मैं बता भी नहीं पाऊँगा। तो बात ये थी कि आज इंडियन बीजे जिन जिन लोगों को उसका नाम पता है तो उसका बर्थडे है, तो मैं मेरे साइड से विश कर देता हूँ। और ऑलरेडी मैं मेरा ग्रुप में कर लिया हूँ व्हाट्सएप के, तो इंडियन गेमर्स के तरफ से विजय भाई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विश यू हैप्पी बर्थडे। एंड शायद उनका कोई फ़ोटोज़ भी मेरे पास है, तो मैं वो फ़ोटो भी डाल दूँगा। तो इसके बाद अभी हम लोग चलते हैं एक बंदे के आईडी पे, जो कि 4180186 या पता नहीं 168, शायद मैं कुछ नंबर भूल रहा हूँ। तो मैं पहले नहीं 4120186 तो पता नहीं उसका आईडी। हाँ, सो यही वाला बंदा था जो कि मेरा नोविश वन, मतलब जो कि हेट वन पे ये बंदा मेरे स्कोरबोर्ड में आया था और फर्स्ट प्लेस में लिया था। और फर्स्ट प्लेस ये कैसे लिया मैं दिखाता हूँ, जबकि मेरा 600 स्कोर हुआ था। मैं दिखा देता हूँ मेरा स्कोर कितना हुआ था, शायद यकीन नहीं होगा, इसीलिए मैं सबको दिखा दूँगा। तो मैं 3 बैटल खेला था, 10th पोजीशन में आ गया और 642 स्कोर किया था। और हार्डली मैं अगर स्कोर करता तो 1000 के आसपास चला जाता, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं जाता, 1000 या 1200 तक चला जाता, क्योंकि 2-3 बैटल जितना टाइम मेरे पास था 2-3 बैटल और ज़्यादा खेल देता। तो सॉरी 4120186, तो ये बंदा क्या किया और कैसे कितना बैटल खेला और क्या क्या किया था मैं बता देता हूँ सब लोगों को। वैसे भी जो फार्मिंग करता है ना, उनकी धज्जियाँ उड़ाने में मेरा कुछ जाता भी नहीं है, सो मैं इसका ही दिखा देता हूँ। हेट वन खेला था, 7 बैटल ओनली और 3256 स्कोर किया था, जो कि जिन लोगों को फार्मिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है ना, अभी भी कैसे लोग चीटिंग कर रहे हैं उन लोगों को अगर पता नहीं है तो ये बारे में मैं ज़रूर बता दूंगा। तो फाइनली कल का बैटल में 7 बैटल खेला था और रिजल्ट फर्स्ट पोजिशन में ये वाला बंदा ही लिया था। 7 बैटल में कुछ 160 के अराउंड वो किल्स लिया था, तो जो कि शायद पॉसिबल नहीं है। और सेकंड बैटल जो कि 10 बैटल खेला था, 4000 स्कोर किया था और इसका रिजल्ट 0 क्यों आ रहा है मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में प्लेयरों को कल ही रिपोर्ट कर दिया था, जो कि कंपल्सरी मैं दिखा भी दूंगा। सॉरी, प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। हाँ, तो कनेक्शन ये रहा सपोर्ट का टीम, क्योंकि भाई मैं ये मुझे रेस्पॉन्स भी मिल गया और जो भी है रेस्पॉन्स को इतना भी मैं फोकस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस बंदे के बारे में मैं काफ़ी सारा देखो, हाउ ही हैव डिड 3K प्लस स्कोर ओनली 7 बैटल इन, इट मीन्स एवरी बैटल ही गेट 400 प्लस स्कोर, सो हाउ इज दिस पॉसिबल, जस्ट आंसर टू मी। सो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ इसका स्क्रीनशॉट्स भी दो डाला हूँ मैं, जो कि मैं ऑलरेडी डिलीट कर दिया हूँ। इसके ऊपर टच करूँगा तो मुझे उसका ये भी मिलेगा। तो हाँ, तो मैं क्या बोलने वाला था, एक्सपीरियंस लेवल मेरा छोड़ो, ये मेरा आईडी है 3312180। काफ़ी सारे बंदों को पता है और इंडियन भी कौन है वो भी, सब्सक्राइबर लोगों के बाद भी और कुछ बंदे मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग ने बीच में मेरे बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, नाम भी नहीं बताऊंगा क्योंकि रिसेंटली कुछ बात भी हुई है, कुछ चैटिंग्स भी हुई है उन लोगों के साथ, तो मैं नहीं चाहूंगा उन लोगों का नाम ख़राब करूं नाम बोल के। वैसे भी वो लोग मेरा कुछ कर भी नहीं सकते, फिर भी मैं नाम बोलने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। तो फाइनली मेरे बारे में कुछ गलत बात हुई थी, जो कि कैश हो गए फेसबुक वाला ग्रुप में, तो उस दिन के बाद से मैं कुछ डिस्कशन करना छोड़ दिया और किसी को कुछ आइडियाज़ देना भी बंद कर दिया।
और भाई डिवीजन डाउन करने से मैं चीटर बन गया और मेरे जैसे कुछ डिवीजन डाउन करने वाले चीटर बन गए। तो भाई मैं बता दूं अब उन्हीं चीटर्स को कि जो लोग अभी अपना सेकंड फ़ोन और सेकंड आईडी यूज़ करके चीटिंग करते हैं उन लोगों को बोलते हैं चीटर, क्योंकि वो लोग अभी भी 300 के स्क्वाड पावर्स के बोट लोगों के साथ वो लोग खेलते हैं, 200 300 400 हार्डली। क्योंकि अभी हम लोग अभी जो लोग अपना सेकंड फ़ोन सेकंड आईडी यूज़ नहीं कर रहे हैं उन लोगों को पता है अभी बोट्स को सर्वाइव करना कैसे कितना प्रॉब्लम है। भाई चलो छोड़ो, हम लोग किए तो हम लोगों को ही बोल दिए चीटर्स। भाई चाहो तो आप लोग भी कर सकते थे, डिवीजन डाउन करके अपना टिकट्स बचा लेते। भाई मैं ऐसा नहीं कि मैं मेरा डिवीजन डाउन करके मैं किसी से चीटिंग कर रहा था, या मेरा स्कोर ज़्यादा करके मैं सबसे ऊपर आने के लिए चाहता था। चाहो तो आप लोग भी कर सकते थे, लेकिन ये किया भी नहीं। आप लोग ने प्लैटिनम को कंप्लेन कर दिया और प्लैटिनम ने आप लोगों का अभी बजा रहा है, वो मज़ा आ रहा होगा। तो वैसे भी तो मैं कुछ दिन हो गया, 2 दिन 3 दिन हो गया मैं गेम भी खेलना तो काफ़ी बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये गेम चलता है तो और कोई दूसरा गेम भी मेरा चलेगा। और वैसे भी 2 3 गेम तो मेरा कंटिन्यूसली रोज़ का गेम है वो सब, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बात ये था ना कि कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन मुझे पता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और 100% वर्किंग करेगा भाई टूर्नामेंट पे। अगर टूर्नामेंट पे वर्किंग नहीं करेगा तो मैं मेरा एड्रेस दे दूंगा, नहीं तो मैं कभी आपके एड्रेस में आ जाऊंगा। चाहो तो नहीं यार, एड्रेस में आने की क्या ज़रूरत है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ही गाली दे देना, क्योंकि वैसे भी बहुत सारा डिसेंट पे मैं सबके साथ बात करता हूँ। तो कुछ गलत होगा तो मुझे कंपलसरी गाली दे देना। आपका स्क्वाड पावर जो भी है, आपका डिवीजन जो भी है, लेकिन मैं चैलेंज देता हूँ, अगर आपके पास सेकंड फ़ोन है, आई मीन अपने फैमिली में कोई दूसरा फ़ोन है या आपका ही दूसरा फ़ोन है, तो उस पर भी ये गेम इंस्टॉल कर दो फर्स्ट। सेकंड थिंग, उसका 3 मैच आपको चाहिए और डिवीज़न 9 पे आना चाहिए। डिवीज़न 9 पे लेके आ जाओ। और तीसरा मैच जो कि इजीली मिल जाता है, पारागोन और लेंसर के बाद जागोनट, ये 3 को ले लो। 2 टिकट, ज़्यादा नहीं, 2 टिकट। और 2 टिकट में आपको क्या हो जाएगा मैं बोलता हूँ। पहला टिकट में आप टूर्नामेंट में एंटर कर लो, 1 टिकट गया आपका। दूसरा टिकट में आप होल टूर्नामेंट अपना मेन आईडी में भाई गेम के स्कोर बोर्ड की धज्जियाँ उड़ा सकते हो, जो कि शायद इसके बारे में अभी तक ना ही किसी ने बोला है, लेकिन कुछ लोगों को पता भी है ये कैसे होता है। तो कहाँ पे था मैं, बस कुछ बीच बीच में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मुझे इनविटेशन आ रहा है इसीलिए मैं उनके नाम पे मेरा ध्यान चला जाता है। तो दूसरा फ़ोन में गेम इंस्टॉल करने के बाद दूसरे टिकट, जो कि पहला टिकट में आप टूर्नामेंट एंटर कर लोगे, और दूसरे टिकट में अपना मेन आईडी को इनवाइट करना, कंटिन्यूसली बैटल पे घुसना, और जैसे बैटल में बैटल को स्टार्ट कर लिया तो अपना दूसरा मोबाइल का जो दूसरा अकाउंट है जो कि फेक वाला है, हाँ, उसको उसका स्किन ऑफ कर देना। तो जैसे कि आपका मेन अकाउंट में टूर्नामेंट ख़त्म होने वाला होगा, ख़त्म होने वाला हो या ख़त्म होने के बाद, अपना दूसरा फ़ोन का स्क्रीन ऑन करके गेम पे चले जाना। तभी क्या होगा, आपका टिकट भी रिकवर हो जाएगा। तो एक ही टिकट में पूरा टूर्नामेंट का स्कोर, एक चीज़ श्योर है, अगर आप चाहो तो पर टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली कितना टिकट आपका यूज होगा, 30 30, कम से कम 1.5 घंटा का टाइम लगेगा आपको, 1.5 घंटा या 2.5 घंटा, 1.5 या 2 घंटा, क्योंकि 1.5 घंटे में मैं हार्डली स्कोर किया हूँ 7,000 जब मेरा डिवीजन डाउन डाउन था। और मैं जब गेम का जब ये वाला सिस्टम नहीं चल रहा था तो तभी मैं खेल रहा था, पर डे 8 आवर्स प्लस में डेली खेलता था और मेरा स्कोर 10,000 प्लस में डेली चलता था मेरा। तो इसमें मेरा कोई डाउट की बात नहीं है कि मैं कभी टूर्नामेंट खेलता हूँ तो
मुझे डिवीज़न डाउन करने की ज़रूरत पड़ी थी। सो भाई टिप्स और ट्रिक्स यही चीज़ है, टूर्नामेंट अगर क्रैक करनी है, कैसा भी प्लेयर हो उसका स्कोर रिकॉर्ड तोड़ना है तो दूसरा फ़ोन यूज़ करो और दूसरा आईडी यूज़ करो और दो टिकट यूज़ करो भाई, उतने में आपका गेम पूरा 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 का पूरा गेम आपका साथ रहेगा। ओके अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम है गेम के बारे में तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये गेम के ऊपर इतना भी दिलचस्पी नहीं है जो कि ये गेम के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ फोकस दूँ। फिर भी तो भाई मेरे नाम का कुछ कुछ नारा लग गया था कैसो के ग्रुप में। ओके सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैव अ नाइस डे, बाय ऑल।